नमस्कार दोस्तों, आज हम वास्तु शास्त्र में बात कर रहे हैं तीन ऐसी मूर्तियों की जो आपको कभी भी अपने पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। ये मूर्ति बजाय पॉजिटिविटी लाने के आपके घर में नेगेटिविटी लाती हैं, पूजा घर में आपके नेगेटिविटी लाती हैं। तो उसका नुकसान ये होगा आपको कि जो भी आप पूजा कर रहे हैं अपने घर में, जो भी दिए जला रहे हैं, जो भी मंत्र का उच्चारण करते हैं आप, जो भी पॉजिटिविटी आप अपने घर में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसमें वो बाधा डालती है, उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये तीन तरह की मूर्तियां, सबसे पहली मूर्ति होती है जो मिक्स्ड मटेरियल की मूर्ति आप लेते हैं। मिक्स्ड मेटल नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं मिक्स्ड मटेरियल बोल रहा हूँ। पहले भी एक मैंने वीडियो शॉर्ट बनाया था इसी चीज के ऊपर कि मिक्स्ड मटेरियल, मैंने उसमें बोला था। मिक्स्ड मटेरियल क्या होता है? मिक्स्ड मटेरियल होता है जिसमें प्लास्टिक और पीओपी मिक्स होता है। आजकल बहुत सारी ऐसी मूर्तियां आ रही है जो देखने में तो बहुत सुंदर होती है, बट वो मिक्स्ड मटेरियल की मूर्तियां होती है जो कि आपके पूजा घर में नेगेटिविटी लाती है। प्लास्टिक कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। प्लास्टिक में जो, अगर आप कभी पॉजिटिविटी उसकी चेक करोगे प्लास्टिक की, तो वो हमेशा नेगेटिव में ही आएगा, वो पॉजिटिव नहीं होता। प्लास्टिक बहुत ही गंदा मटेरियल है, स्पेशली मूर्तियां जब आपकी उसकी बनाए। तो प्लास्टिक की मूर्ति या मिक्स्ड मटेरियल की मूर्ति आपको अपने पूजा घर में नहीं रखनी। सेकंड तरीके की मूर्ति आती है कोई भी खंडित मूर्ति। बहुत बार क्लाइंट्स के यहाँ पे मैंने देखा है कि कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो कहते हैं अगर ये मूर्ति खंडित हो गई है तो जहाँ पे, जिस कॉर्नर से वो खंडित हुई है, जो भी उसकी कॉर्नर टूटा है, वहां पे उसको पेंट कर दो, वो ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। कभी भी आपको अपने पूजा घर में खंडित मूर्ति या कोई भी पिक्चर जिसके कलर खराब हो चुके, बहुत बार पुरानी पुरानी भगवान की पिक्चर्स चली आ रही होती है, उनके कलर फेड हो चुके होते हैं दोस्तों, ऐसे पिक्चर्स और ऐसी मूर्ति जो कि खंडित हो चुकी है, आपको कभी भी अपने पूजा घर में नहीं रखनी। ये मूर्ति आपको पॉजिटिविटी नहीं देगी। वो मूर्ति खुद खंडित है, वो कैसे आपको पॉजिटिविटी दे सकती है? वो मूर्ति खुद नेगेटिव हो चुकी है, नेगेटिव नहीं हुई है, वो खंडित हो चुकी है, तो वो पॉजिटिविटी ऐसी मूर्ति नहीं देती आपको। तीसरी टाइप की मूर्ति आती है दोस्तों, 9 इंच से ऊपर की मूर्ति। 9 इंच इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसका बेस जिस पे वो मूर्ति टिकी हुई है उसको काउंट करेंगे तो 1 फुट से ऊपर की मूर्ति कभी भी आप अपने घर में नहीं रख सकते। 1 फुट से ऊपर की मूर्ति कमर्शियल मंदिरों में यूज होती है, जो पब्लिक प्लेसेस होती है वहां पे यूज होती है। 1 फुट से ऊपर की मूर्ति, 1 फुट से ऊपर की मूर्ति आप कभी भी अपने पूजा घर में नहीं रख सकते। ऐसी कोई भी मूर्ति आपके घर में नहीं होनी चाहिए कि जिसकी आप पूजा करते हो और वो 1 फुट से ऊपर की हो। 1 फुट से ऊपर की मूर्ति आपको अपने पूजा घर में जो आप पूजा घर बना रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, उसमें कभी नहीं रखनी दोस्तों। ये मूर्ति भी आपको नुकसान देती है, ये मूर्ति भी, इस तरह की मूर्ति आपको कभी भी फायदा नहीं देगी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल लें। अगर आपके पास भी कोई भी क्वेरी होती है, किसी भी तरीके की वास्तु की क्वेरी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल के उसको, अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। उस क्वेरी पे जरूर हम आपका वीडियो या शॉर्ट जरूर बनाएंगे और वो आप आराम से देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। धन्यवाद दोस्तों।